है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि मैंने अकाउंट्स की वीडियो डाली थी पास होने के लिए कि 100% पास होने की ट्रिक, बिजनेस की भी डाली थी 100% पास होने की ट्रिक, और आज मैं बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है जिससे आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप 100% पास हो जाएं। कुछ बच्चे वीडियो को देखने के बाद कहते हैं कि सर हमें पास नहीं होना, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो बेटा दोनों के लिए ये वीडियो लागू है क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता हूँ और आपको कैसे कैसे किस चीज़ को करना है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो मैं बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब आप इकोनॉमिक्स के पेपर को करने बैठोगे तो सबसे पहली बात मैंने जो अकाउंट्स इको और बिजनेस में बताई है कि आप नंबर वाइज करोगे क्वेश्चंस को। भले ही आपको शुरुआती क्वेश्चंस नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपको आ रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं कि आपने शुरुआत 11 से करी, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड, फिर नाइन्थ। ऐसे क्या होता है बेटा, जो हमारा एग्जामिनर है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो आपकी कॉपी उस तरीके से फिर नहीं चेक करेगा जिस तरीके से उसे करनी चाहिए। तो पहली चीज ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, जो टॉपिक आपको आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में पूछा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कोई केस पूछ लिया, तो और आपको वो केस पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसमें करना क्या है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है। आपको ये बताओ, अगर आप फॉरेन के मतलब पूछा जाएगा तो आपको उसमें से कुछ तो आता होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग, फ्लोट फ्लोटिंग, ये तो कुछ आता होगा आपको। आपको लिखना है पहली चीज, और उस पूरे आंसर में जो चीज पूछी है, जैसे यहां मैंने क्या कहा फॉरेन, तो उस पूरे आंसर में 3 से 4 बार फॉरेन की बात करनी है, यानी कि फॉरेन वर्ड 3 से 4 बार रिपीट होना चाहिए। जब आप एक आंसर पूरा अच्छे से, आप बिना कुछ ही लाइन को छोड़े, प्लस आप ऐसे कर दे ना खराब हो जाए या आप कोई गलत हो जाए तो ऐसे काट देते, ऐसा नहीं करना। सिंपल, बड़ी प्यारी सी वाली, आपको मालूम है कि आपका आंसर गलत है लेकिन आपको लिखना है। क्यों? जब आप आंसर लिखोगे तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर का आंसर था आपका और आपने गलत लिखा है, लेकिन जैसे ही आप लिखोगे तो मास जो हमारा एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, कभी कभी आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ता, बस हेडिंग हेडिंग देखता है कि इसमें वही लिखा है या नहीं। और क्योंकि मैंने बताया कि आपको फॉरेन वर्ड 3 से 4 बार रिपीट करना है तो वो आपको मार्क्स जरूर देगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा, जो भी क्वेश्चन है आपको नहीं आता, मैं कह रहा हूं आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पहली बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही करना है। आपको पूरी लाइन पढ़े, कुछ वर्ड तो ऐसा होगा जो आपको थोड़ा बहुत आता होगा वो आपको लिखना है। कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक में इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं शुरुआत करूंगा मैक्रो से। तो मैक्रो में आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर आना चाहिए। नेस्ट इनकम निकालना नहीं आए लेकिन जो कन्वर्जन होता है जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफपी, वो आना चाहिए। न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं एमपीसी एपीसी, इसमें एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, याद रखना एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में आपका जो सीआरआर, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत जरूरी है। एक जो आपका मैक्रो में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर है उसमें जो आपका करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में दे रखा है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कॉलम दे रखे हो और आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्या चीज किसके लिए जरूरी है। डेफिशिएंट, प्राइमरी डेफिशिएंट, फिजिकल डेफिशिएंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेरोजगारी जो होती है हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ऑटोनोमस कंजप्शन है ना, ये सब आपको, आरबीआई के फंक्शंस है ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये कुछ मैं ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो आपको आने ही आने चाहिए। एमपीसी, एक आपने ये फॉर्मूला देखा होगा सी बार वाला,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टाइप, है ना, ये आपको आना चाहिए, इससे सी एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, है ना। बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में दो केस जैसे कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको क्या करना है, जो हमारे सेक्टर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑक्यूपेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो शुरुआत में पहले चैप्टर में थे, वो आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉवर्टी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी कैसे होती है, पॉवर्टी लाइन कैसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ विस्तार में पूछ ले, है ना, प्राइमरी सेक्टर्स वगैरह, है ना। लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका डेवलपमेंट इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इसके बारे में, डेवलपमेंट इंडिया में कैसा हुआ, चाइना में कैसे हुआ, पाकिस्तान में कैसा हुआ, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में आएगी ही आएगी, देख लेना। लेकिन ट्रिक क्या याद रखनी है कि सर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि डिस्कस द टैक्स रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय इंडिया अंडर द लिबरलाइजेशन रिसोर्सेज, डिस्कस द टैक्स रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय इंडिया अंडर द लिबरलाइजेशन मेजर्स। अब मैंने कहा आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन में रिफॉर्म्स तो मालूम होगा, या टैक्स के बारे में तो मालूम होगा, या लिबरलाइजेशन के बारे में तो मालूम होगा, इन तीनों में से किसी के भी बारे में लिख देना, लिख के जरूर आना, मार्क्स मिलने की गारंटी रहेगी, मार्क्स जरूर मिलेंगे। इस ट्रिक को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, करके जरूर आना, क्लियर है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, जितने भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने बैठते हैं, उनके पास आंसर शीट नहीं होती, तो जैसा टीचर होगा उसके आंसर को देखने का नजरिया अलग होगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक का ध्यान रखना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अब तक गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दें। थैंक यू सो मच।